हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदलाल इंग्लिश टीचर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल तो आज हम सीखेंगे पोइट्री फर्स्ट पोइट्री फर्स्ट का क्लास नाइन्थ इस पोइट्री का नाम है द माउंटेन द माउंटेन द माउंटेन एंड स्केरल रियल का मतलब होता है गिलहरी इसका हम फर्स्ट पैसेज आपको बता चुके हैं पर्वत और गिलहरी तो हम अगला पैसेज देखेंगे एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस नो डिसग्रेस डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान अपमान डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू अकुपाई माई प्लेस अकुपाई का मतलब होता है घेरना आकूपाई कुपाई मतलब होता है घेरना घेरना एंड आई थिंक इट नो डिज टू अकुपाई माई प्लेस एंड आई थिंक इट नो डिज अब मैं इस बात से अपमान महसूस नहीं करती हूँ गिलहरी कहती है कि मैं इस बात से अपमान महसूस नहीं करती हूँ कि टू अकुपाई माई प्लेस कि तुम मेरा स्थान घेर हो क्योंकि वो प्लेस क्योंकि भाई पर्वत को एक बड़ा सा स्थान चाहिए बड़ा सा स्पेस चाहिए अपना जगह बनाने के लिए गिलहरी को थोड़ा सा ही जगह चाहिए तो गिलहरी कह रही आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू अकुपाई माई प्लेस मैं इस बात से अपमान महसूस नहीं करती हूँ कि तो तुम मेरा स्थान लिए हो एंड और क्या कहती गिलहरी इफ़ आई एम नॉट सोलॉर्स एज यू इफ आई एम नॉट सोलॉर्स सो माने इतना यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ एज यू जितना कि तुम सो so माने उतना और एज माने जितना, जितना। जितना एंड सो so माने उतना इफ माने यदि इफ आई एम नॉट सोलॉर्स एज यू यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ सो so माने उतना या उतनी अकॉर्डिंग टू नाउन के अनुसार आप बोल सकते हैं इफ आई एम नॉट सोलॉर्स एज यू यदि मैं उतनी सोलॉर्स so उतनी विशाल नहीं हूँ एज यू जितना कि तुम यू आर नॉट सो small एज आई तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो सो माने देखिए उतना हम लिखे हैं यू आर नॉट सो small एज आई तो तुम भी उतने छोटे नहीं हो एज आई जितनी कि मैं एंड नॉट हाफ सो spry, और उसके आधे फुर्तीले भी नहीं हो गिलहरी रही मेरे जैसा तुम फर्तीले भी नहीं हो मेरे जैसा तुम एक्टिव भी नहीं हो जो काम गिलहरी कर सकती है जल्दी से वो काम माउंटेन नहीं कर सकता क्योंकि जो जो छोटे लोग हैं वो जल्दी से मतलब फुर्तीले से काम करते हैं तो कह रही है कि यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई तुम भी उतने छोटे नहीं हो एज आई जितनी की मैं एंड नॉट हाफ सो स्प्राई और उसके आधे फुर्तीले भी नहीं हो यानी मेरे जैसा फुर्तीले भी नहीं हो और क्या कहती है आई एल नॉट डेनी यू मेक अ वेरी पेटी स्क्वायरल ट्रैक अब मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ डेनी मान इनकार करना एंड आई एल नॉट डेनी अब मैं इस बात को इनकार नहीं करती हूँ मेक अ वेरी पेटी स्क्वायरल ट्रैक कि तुम गिलहरी के लिए एक सुंदर मार्ग बनाते हो अब मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूं कि तुम गिलहरी के लिए एक सुंदर मार्ग बनाते हो टैलेंट्स डिफर यानी सबका टैलेंट सबका टैलेंट्स का मतलब प्रतिभाएं टैलेंट्स टैलेंट्स का मतलब होता है प्रतिभाएं टैलेंट्स डिफर यानी प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती यानी सबके पास अलग अलग टैलेंट होता है टैलेंट्स डिफर प्रतिभाएं भिन्न भिन्न होती हैं ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट सभी चीज़ों को अच्छी तरह से और बुद्धिमानी पूर्वक रखा गया है यानी इस संसार में सारी चीज़ें व्यवस्थित पूर्वक और बुद्धिमानी पूर्वक रखे गए हैं ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट सभी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से एंड वाइजली पुट यानी बुद्धिमानी पूर्वक रखा गया है गिलहरी कहती इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक गिलहरी कह रही यदि पीठ पे जंगल नहीं ले जा सकती हूं कैरी माने ले जाना इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक यदि अपने पीठ पे जंगल नहीं ले जा सकती हूं नाइदर कैन यू क्रैक नट तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो क्रैक माने तोड़ना एंड नट मिस अखरोट अखरोट तो गिलहरी कह रहे हैं इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक यदि मैं अपने पीठ पे जंगल नहीं ले जा सकती यदि यदि मैं बड़े काम नहीं कर सकती हूँ ना इधर कैन यू क्रैक करना तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो यानी तुम भी कोई छोटा काम नहीं कर सकते हो यदि मैं बड़ा काम नहीं कर सकता तुम भी कोई छोटा काम नहीं कर सकते क्योंकि गिलहरी जल्दी से अखरोट के पेड़ पर पे चढ़ जाएगा लेकिन जो पर्वत हो है, इतना काम इतनी जल्दी से नहीं कर पाएगा सो so, आपको फिर से रिपीट करा देते आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू अकूपाई माई प्लेस मैं इस बात से अपमान महसूस नहीं करती हूँ टू अकू पाई माई प्लेस कि तुम मेरा स्थान घेर लिए हो इफ आई एम नॉट सो लॉर्स एज यू यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ एज यू जितना कि तुम यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई तुम भी उतने छोटे नहीं हो एज आई जितनी कि मैं एंड नॉट हाफ सो स्प्राई और उसके आधे फुर्तीले भी नहीं हो आल नाट डेनी यू मेक अ वेरी पेटी स्क्वायरल ट्रैक मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरी के लिए एक सुंदर मार्ग बनाते हो टैलें डिफा प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं ऑल इज वेल सभी चीज़ों को अच्छी तरह से एनवाइजलीपुर बुद्धिमानी पूर्वक रखा गया है इफ़ आई कैन नाट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक यदि मैं पीठ पे जंगल नहीं ले जा सकती हूँ नाइदर कैन यू क्रैक नाट तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो तो सेकेंड पोट्री मैं आपको नेक्स्ट टाइम दे दूँगा तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नए लिंक यानी आपको नए नए वीडियो मिलते रहें थैंक यू